पलटू चाचा नहीं हूँ, पलटू चाचा क्या पता फिर पलट जाए, कोई उनका गारंटी तो है नहीं ना। ईयरबड्स की गारंटी होती है, नीतीश चाचा की गारंटी नहीं होती, ईयरबड्स की गारंटी होती है। किस बड़ की? ईयरबड्स, हेडफोन, हेडफोन की होती है गारंटी, नीतीश चाचा की नहीं है। के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए टी शर्ट पहने हुए ये बच्चियां जो हैं आज मोदी के लिए दौड़ी हैं पटना की सड़कों पे कुछ दूर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, विजय सिन्हा भी थे और इनका उत्साह बढ़ाने यहां रविंद्र भवन तक पहुंचे। इन्हीं से जरा जानते हैं, ठीक है दौड़ा तो आपने सही है, टी शर्ट भी सही है, भाजपा ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं अभी तो नहीं ज्वाइन किया। तो ये तो मुझे मिला है पहनने के लिए, तो पहनने के लिए। हाँ। इसका मतलब आप जानती हो, इसको पहनना ही मतलब भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने। ओके, मैंने मुहर लग गई आपके ऊपर, क्या भाजपा की हो? भाजपा की? हाँ भाजपा की। पक्का? हाँ। भाजपा देना था सर। हाँ वो तो हो गया है मेरा। भाजपा की हो ना? हाँ। अब पार्टी तो नहीं बदलनी है? नहीं नहीं, नीतीश जी जैसा तो बदलना नहीं। नहीं नहीं, मैं पलटू चाचा नहीं हूँ। पलटू चाचा? मैंने नहीं कहा कि नीतीश जी पलटू चाचा है। हाँ वो तो है। हाँ लेकिन क्या 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 मिलते हैं फिर अलते हैं फिर मिलते हैं। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार तो मिले तो हैं, फिर आगे देखिए, फिर क्या पता फिर पलट जाए, क्या पता फिर पलट जाए, कोई उनका गारंटी तो है नहीं ना जी। गारंटी है नीतीश चाचा की? नहीं नहीं, ईयरबड्स की गारंटी होती है, नीतीश चाचा की गारंटी नहीं होती, ईयरबड्स की गारंटी होती है। किस बड़ की? ईयरबड्स, हेडफोन, हेडफोन की होती है गारंटी, नीतीश चाचा की नहीं है, कभी भी पलट जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने मंच से कहा कि हम थोड़ा गड़बड़ा गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। हर बार बोलते हैं, हर बार बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अभी एकदम यंग हो और भाजपा के तरफ आकर्षित हो, क्या देख के आप लोग भाजपा के साथ हो? मोदी की गारंटी देख के, सुशासन देख के, या भाजपा की नीतियों को देख? नीतियों को देखकर, और नीतियों को देखकर, नीतियों को देखकर, गारंटी को देख, और गारंटी, हाँ गारंटी को देख, मोदी के काम को देखकर, वो काफी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तुम लोगों के लिए क्या किया जिस दिन तुम लोग नौकरी के है? हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। क्या किया? उन्होंने ये किया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हाँ अगर हमारे टीम को मेडल लगती है ना, उन्होंने भी कर दिया, मेडल लाओ नौकरी पाओ बिहार। लेकिन मोदी पे ज्यादा बिलीव है ना, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अगर ग्रुप में हमारी सारी टीम के मेंबर को मेडल लगती है, थर्ड मेडल भी लगेगी किसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब भी नौकरी मिलेगी। भाजपा की एक शाखा है विद्यार्थी परिषद, तो क्या विद्यार्थी परिषद में मौका मिलेगा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने के लिए? तो कितने लोग लड़ना चाहेंगे उसमें? कॉलेज के सब लोग लड़ना चाहेगा। पक्का? हाँ। माने अध्यक्ष बन चाहते हैं पापा। अच्छा पीयू का अध्यक्ष इसमें कौन कौन बनना चाहता है बताओ? ये बनेगी। चेहरा दिखाइए इनका, ये है हमारी बहन, ये बनेगी छात्र नेता। अच्छा इसमें क्वालिटीज है? अच्छा हम थैंक यू अध्यक्ष के लिए। हर मोदी, हर घर मोदी बोलेगी। अच्छा ये बताओ राजनीति में इच्छा है ना आईएएस बनने की? आईएएस बनना है। आईएएस पीछे पीछे घूमते हैं जो, कोई दिक्कत नहीं है, आईएएस बनना और खुद का मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई आपने क्या किया है, तो मैंने आईएएस बना। बिहार के लोगों को ज़्यादातर आईएएस बनना है, यूपीएस का सारा चीज़ क्वालिफाई करना होता है। बनना हो तो क्या बनना चाहोगे? मुझे इंडिया के लिए खेलना है बस। क्या बनना चाहोगी? आईएएस। आईएएस क्या बनना चाहोगी? आईएएस। आईएएस देखिए भले भाजपा का जो गमछा है वो गले में निश्चित तौर पर है, लेकिन जब कुछ बनना हो तो हम आईएएस ही बनेंगे, ये है आज के बिहार की बेटियों का मकसद। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।